Hello student, today we will learn class 5th math, chapter 2, shapes and angles. Shapes का meaning हिंदी में आकार होता है student. Shapes are many types. आप shapes को बनावट भी कह सकते हैं. For example, आपका triangular shape है. This is shape is triangular shape. This shape is circular shape. And this shape is quadrilateral shape. एक आपका oval shape, अंडाकार जिसको आप बोलते हैं, pentagon, hexagon, और भी आपके shapes होते हैं. इस तरीके से student आपने shapes के बारे में जानना है. Next student आपका angle. Definition angle की है. An angle is made up of two rays starting from a common end point. यदि हमारे पास एक common end point है, we have a common end point and two rays pass out from this common end point, then two rays make an angle. अगर आप देखोगे, अगर हमारे पास एक वर्टेक्स है, यहां से टू रेज पास आउट होती है यानी निकलती है, तो ये एक एंगल बनाएगी स्टूडेंट. और कॉमन एंड पॉइंट्स को आप वर्टेक्स कहेंगे, और जो रेज पास आउट हुई है इनको आप इसकी साइड कहेंगे स्टूडेंट. स्टूडेंट, हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, अब हम ये जानेंगे कि एंगल्स का मेजर मेन की जो ले हम डिग्री का यूज करते हैं. एंगल की जो मेजरमेंट की जाती है डिग्री में की जाती है. डिग्री का जो सिंबल होगा, डिग्री आपका इसका जो सिंबल है इस तरीके का है स्टूडेंट, इस तरीके का. जैसे आप लिखोगे 10 डिग्री, इस तरीके से आप लिखोगे 20 डिग्री, इस तरीके से 35 डिग्री, इस तरीके से स्टूडेंट ये आप सिंबल यूज करोगे तो आपको मालूम हो गया स्टूडेंट कि जो मेजरमेंट होती है एंगल की डिग्री वैल्यू डिग्री में होती है. नाउ हम कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल पढ़ेंगे. एंगल्स, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आपका ऐसा एंगल होता है स्टूडेंट, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. ऐसे एंगल जिनकी डिग्री वैल्यू 0 से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं. जैसे आपका 10 डिग्री का एंगल होगा, 15 डिग्री का एंगल भी कह सकते हैं, 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, ये आपके एक्यूट एंगल कहलाएंगे. इसके बाद स्टूडेंट आपका राइट एंगल होगा. राइट एंगल की जो मेजरमेंट होती है 90 डिग्री होती है. एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल, यानी 90 डिग्री के एंगल को आप राइट एंगल कह सकते हैं. इसको इस तरीके से आप देखोगे 90 डिग्री. थर्ड एंगल है स्टूडेंट ऑब्ट्यूस एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, ऐसे एंगल्स को आप ऑब्ट्यूस एंगल कहोगे. जैसे आपके 100 डिग्री का एंगल हो गया, 120 डिग्री का एंगल हो गया, 150 डिग्री का एंगल हो गया, 170 डिग्री का एंगल हो गया, और भी आपके हो सकते हैं. और फोर्थ है स्टूडेंट आपका स्ट्रेट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री होगी स्टूडेंट, आप इसको इस तरीके से बनाओगे.
अगर मेजरमेंट 180 डिग्री होगी किसी एंगल की, दिस एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्टूडेंट, हम एंगल जब बनाते हैं या एंगल को जो मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसके लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे या हम डीवी कहते हैं इसे, आप इसका यूज करके आप मेजर कर सकते हैं कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, और एंगल भी आप प्रोटेक्टर की सहायता से बना सकते हैं।